वेलकम टू माय चैनल सर्वा क्लास है पीसीएम। आज मैं आपके सामने 12th क्लास का डिटेल में इंट्रोडक्शन देने जा रहा हूँ। 12th क्लास की मैथ्स को 6 यूनिट में डिवाइड किया गया है, जिसमें टोटल 13 चैप्टर है एज पर एनसीईआरटी यूपी बोर्ड यूनिट 1। इस यूनिट 1 में चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 है। चैप्टर 1 संबंध और फलन है, रिलेशन एंड फंक्शन, और चैप्टर नंबर 2 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। यूनिट 1 का जो नंबर है वो 10 नंबर है, 10 नंबर, ठीक। और इस 10 नंबर को दो तरह से कैसे डिवाइड किया गया है हमें उसको भी समझना है। चैप्टर नंबर 1 ये 6 नंबर और चैप्टर नंबर 2 4 नंबर। एक और बात है, कभी कभी नंबर ऊपर नीचे भी हो जाता है, तो 6 नंबर से ये 7 नंबर का भी हो जाता है और इसमें 4 नंबर से इसमें हो जाता है 3 नंबर, 6 4 10 7 + 3 10। तो इस तरह से भी ऊपर नीचे नंबर हो सकते हैं, एकदम फिक्स नंबर उसके नहीं होते हैं। अब हम बात करते हैं यूनिट नंबर 2। यूनिट नंबर 2 ये 13 नंबर का है, ठीक, ये 13 नंबर का हो गया। यूनिट नंबर 3 में दो में चैप्टर नंबर 3 आव्यूह मैट्रिक्स और चैप्टर नंबर 4 सारणी यानी कि डिटर्मिनेंट है। इसको चैप्टर वाइज कैसे नंबर को डिवाइड किया गया है हम इसको समझें। चैप्टर नंबर 3 9 से 10 नंबर और चैप्टर नंबर 4 को 4 से 3 नंबर के रूप में इस तरह से अंक को डिवाइड किया गया है, ये इस तरह से डिवाइड किया गया है। अब हम बात करते हैं यूनिट नंबर 3 की। यूनिट नंबर 3 में चैप्टर नंबर 5 से चैप्टर नंबर 9 तक, देखिए चैप्टर नंबर 5 से और चैप्टर नंबर 9 तक, ये टोटल 5 6 7 8 और 9 इतने चैप्टर को डिवाइड ये इसमें शामिल किया गया है। अब हम इसके नंबर की बात करें तो इसके टोटल नंबर हैं 44 नंबर हैं। इस 44 नंबर को में कैसे अंक को डिवाइड किया गया है उस डिवीजन को भी हम समझ लेते हैं। चैप्टर नंबर 5 6 नंबर से 8 नंबर तक आता है। चैप्टर नंबर 6 की बात करें तो वो 10 नंबर से 9 नंबर तक के आते हैं इसमें। चैप्टर नंबर 7 की बात करें तो इसमें 5 से ये 4 नंबर का आता है। चैप्टर नंबर 8 की बात करें तो यह 8 से 7 नंबर का आता है और चैप्टर नंबर 9 15 से 16 नंबर का आता है, ठीक। अब इनको जरा अंडरलाइन कर दें, ठीक। अब इसके बाद में हम इनके चैप्टर्स के नाम बता दें। चैप्टर नंबर 5 सातत्यता तथा अवकलनीयता, ठीक है ना, अवकलनीयता, ठीक है ना, इसको जरा क्लियर कर दें, अवकलनीयता, ठीक, यानी कि कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। चैप्टर नंबर 6 अवकलज के अनुप्रयोग है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। चैप्टर नंबर 7 समाकलन मतलब इंटीग्रल्स है। चैप्टर नंबर 8 समाकलन के अनुप्रयोग है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स है। और चैप्टर नंबर 9 अवकलज के अवकल समीकरण है, डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक। अब इसके बाद की बात करें तो हम ये यूनिट नंबर 4 आता है, ठीक। अब यूनिट नंबर 4 में ये 17 नंबर का होगा, 17 नंबर में इसका वेटेज है। इसमें चैप्टर नंबर 10 सदिश बीजगणित है, वेक्टर अलजेब्रा,
के नाम से इसको हम जानते हैं। इसका वेटेज चैप्टर नंबर 10 का ये 9 से 10 नंबर का आता है पेपर में, बोर्ड एग्जाम में। चैप्टर नंबर 11 की बात करें तो ये 8 नंबर से 7 नंबर का आता है, ठीक। बोर्ड एग्जाम में इनके नंबर को अंडरलाइन कर लें इस प्रकार से सर्कल बना करके। अब इनके चैप्टर्स के नाम क्या हैं? सदिश, बीजगणित, वेक्टर अलजेब्रा। चैप्टर नंबर 11 त्रिविमीय ज्यामिति, थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री, इसको 3D भी बोलते हैं शॉर्टकट तरीके से, ठीक है। अब इसके बाद में यूनिट नंबर 5 आता है। यूनिट नंबर 5 ये 6 नंबर का होगा, ठीक। यूनिट नंबर 5 6 नंबर का होगा। यह चैप्टर नंबर 12 है, रैखिक प्रोग्रामन, लीनियर प्रोग्रामिंग। चैप्टर नंबर 12 खुद अपने आप में एक चैप्टर है, यह 6 नंबर का होगा, तो इसमें कोई अंतर नहीं आता है, यानी कि इसके नंबर कन्फर्म है, ठीक। अब इसके बाद में लास्ट यूनिट नंबर 6, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, 10 नंबर का आता है, इसमें महत्वपूर्ण चैप्टर होगा ये, और इसमें भी ये कन्फर्म है, ये 10 नंबर का आता है, ठीक ठीक है ना। इसके बाद में मैं चैप्टर वाइज 1 से 13 तक के अंदर कौन कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको बताने जा रहा हूँ। मैं चैप्टर वाइज 1 से 13 तक के अंदर कौन कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको बताने जा रहा हूँ। देखिए, यूनिट 1 में जो चैप्टर 1 है वो संबंध और फलन, इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? संबंध के प्रकार, फलन के प्रकार, फलन के संयोजन किस प्रकार से किए जाएंगे, द्विआधारी संक्रियाएं ऑपरेशन किस प्रकार से होते हैं उनको भी हम इस चैप्टर में बताएंगे। इसके बाद क्या आता है? प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, इसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर आधारित प्रगुण को बताएंगे, प्रॉपर्टीज, और इसके रिलेटेड क्वेश्चंस को भी क्लियर करेंगे। इसमें किस तरह से चैप्टर के कुछ सवाल क्लियर किए जाते हैं। इसके बाद आता है चैप्टर नंबर 3, आव्यूह मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में हम क्या क्या पढ़ेंगे? ये मैट्रिक्स के कितने प्रकार होते हैं, मैट्रिक्स के कितने किस प्रकार ऑपरेशन होते हैं, परिवर्त आव्यूह कैसे किए जाते हैं, सममित तथा विषम सममित आव्यूह किस प्रकार से निर्धारित किए जाते हैं वो भी बताया जाएगा, आव्यूह का रूपांतरण किस प्रकार से होता है यह भी बताएंगे, व्युत्क्रमणीय आव्यूह को भी इस चैप्टर में हम बताएंगे। इसके बाद आता है सारणिक। सारणिक डिटर्मिनेंट कहते हैं, जैसा कि आप पहले से हम बता चुके हैं, इसमें हम सारणिक के गुण धर्म को बताएंगे और त्रिभुज के क्षेत्रफल को भी हम इसमें बताने वाले हैं। इसके बाद हम चैप्टर नंबर 5 में ये कंटिन्यूटी एंड डिफ्रेंशियबिलिटी में हम क्या बताएंगे? इसमें हम कंटिन्यूटी के प्रोसेस को बताएंगे, किस तरह के इनके सवाल होते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के आधार पर वो बताए जाएंगे, इसके अवकलनीयता डिफ्रेंशियबिलिटी को भी हम इसमें क्लियर करेंगे, चर घातांकी मतलब एक्सपोनेंशियल, लघुगणकीय मतलब लॉगरिथमिक फंक्शन, ये इनके किस प्रकार से अवकलन होते हैं उनको इसमें बताएंगे। इसके साथ साथ इसके पैरामेट्रिक फॉर्म भी क्लियर किए जाएंगे, सेकेंड डिग्री इन डेरिवेशन को भी बताएंगे, माध्यमान प्रमेय को जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है इस टॉपिक में वो भी इसमें बताएंगे, क्योंकि ये पेपर में जरूर आता है। इसके बाद आता है चैप्टर नंबर 7, समाकलन इंटीग्रेशन। समाकलन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। समाकलन में इनके विधियों को बताया जाएगा, कौन कौन से इसकी विधियाँ हैं, कितने प्रकार से इनको डील किए जाते हैं, आंशिक भिन्न के द्वारा समाकलन किस प्रकार से किए जाते हैं, खंडशः समाकलन किस प्रकार से किए जाते हैं, इसके साथ साथ इसमें निश्चित समाकलन हुआ, अवकलन के आधारभूत प्रमेय को बताएंगे, इस प्रकार से इसके लास्ट में हम जानते हो क्या बताएंगे, निश्चित समाकलन के कुछ महत्वपूर्ण अनुप्रयोग या प्रॉपर्टीज हम इसमें बताने वाले हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड पेपर में क्वेश्चंस जरूर से जरूर आता ही है। अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 8 की। चैप्टर नंबर 8 में समाकलन के अनुप्रयोग में यानी कि एप्लीकेशन ऑफ इंटेग्रल्स में
हम ये वृत्त का क्षेत्रफल बताएंगे, परवलय के अंतर्गत क्षेत्रफल बताएंगे, दीर्घ वृत्त के अंतर्गत क्षेत्रफल बताएंगे, ये सब क्षेत्रफल ये समाकलन विधि के द्वारा बताया जाएगा। किस प्रकार से समाकलन विधि के द्वारा क्षेत्रफल निर्धारित किए जाते हैं, यही नहीं, इसके साथ साथ अंत में हम इस चैप्टर में ये दो वक्रों के अंतर्गत क्षेत्रफल जो होते हैं वो भी इसमें शामिल किया जाएगा, वो भी हम बताएंगे। इसके बाद आता है अवकल समीकरण, डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना। डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि पूरे होल चैप्टर में सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इसमें अवकलन भी आ जाता है, समाकलन भी आ जाता है, टोटल प्रॉपर्टीज भी इसमें शामिल कर लिए जाते हैं, है ना, इंटीग्रल का सी मान ज्ञात करने के लिए, वो सब इस आधार पर हम देखेंगे। तो सबसे ज़्यादा नंबर 15 से 16 नंबर का आता है अवकल समीकरण में। इसका क्या क्या हम कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं, ये इसका व्यापक हल किस प्रकार से निर्धारित किया जाएगा, अवकल समीकरण का निर्माण किस प्रकार से होता है, प्रथम और द्वितीय कोटि के ये समीकरण को किस प्रकार से हल किया जाएगा वो इसमें हम शामिल करेंगे। इस तरह से यह चैप्टर का समापन होगा। इसके बाद हम इसकी शुरुआत करेंगे ये यूनिट नंबर 4 में, चैप्टर नंबर 10, सदिश बीजगणित वेक्टर अलजेब्रा। इसमें हम क्या क्या बताने वाले हैं ये चीज़ ध्यान रखिए, इसमें हम आपको बताने वाले हैं ये सदिश के प्रकार, ठीक है ना, सदिश के प्रकार बताएंगे, दो सदिशों का या दो से अधिक सदिशों का योग किस प्रकार से किया जाता है ये हम बताने वाले हैं, एक सदिश का एक सदिश से दूसरे सदिश से गुणा यानी कि ए डॉट बी किस प्रकार से ज्ञात किए जाते हैं, जैसे ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा, तो इस पर आधारित सवाल भी होंगे। दो सदिशों के गुणनफल जितने भी हैं उसकी प्रॉपर्टी वो भी इसमें शामिल किया जाएगा। इसके बाद आता है चैप्टर नंबर 13 जो थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री है, चैप्टर नंबर 11, ठीक है ना, वो थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री जिसे हम शॉर्टकट 3D भी कहते हैं, इसमें हम दो रेखाओं के मध्य कोण किस प्रकार से ज्ञात किए जाएंगे वो बताएंगे, दो रेखाओं के मध्य न्यूनतम दूरी किस प्रकार से ज्ञात की जाती है वो हम बताएंगे, समतल का समीकरण किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है वो बताएंगे, दो समतलों के बीच का कोण किस प्रकार से निर्धारित किया जाता है ये बताएंगे। इसके अतिरिक्त समतल से दिए गए बिंदु की दूरी, जैसे दो रेखाओं के बीच की दूरी, दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी जैसे ज्ञात करते थे ना, वैसे ही दो समतलों के बीच की दूरी भी इसी चैप्टर में आसानी से हम आपको बताने वाले हैं। इसके अंत में हम क्या बताएंगे, एक रेखा और एक समतल के बीच के कोण को भी इस चैप्टर में हम चैप्टर नंबर 11 में बताने वाले हैं। अब इसके बाद में हम चैप्टर नंबर 12 की बात करेंगे। चैप्टर नंबर 12 एक बहुत छोटा लीनियर प्रोग्रामिंग का चैप्टर है, बस इसमें रैखिक प्रोग्रामन की समस्या का समाधान करेंगे किस प्रकार से किया जाता है, इसमें कुछ ज़्यादा कहने योग्य बात नहीं है, जो भी बात आएगी वो सीधे सीधे चैप्टर में ही हम बताएंगे, क्योंकि इसका ग्राफ होता है। सबसे अंत में सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर की अगर बात करें तो वो चैप्टर हो गया प्रायिकता, इन मीन्स प्रोबेबिलिटी, इसमें सब प्रतिबंध प्रायिकता बताएंगे, प्रायिकता के ये गुण नियम किस प्रकार से निर्धारित होते हैं ये बताएंगे, स्वतंत्र घटनाएं किस प्रकार से निर्धारित की जाती हैं ये बताएंगे, वेज प्रमेय बताएंगे, बर्नौली परीक्षण किस प्रकार से होते हैं ये इस बताएंगे, द्विपद बंटन बताएंगे। अंत में हम ये कहना चाहते हैं कि ये चैप्टर की ये क्रमबद्ध तरीके से आप तैयार करते हैं तो बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे अंक आएंगे, ये इस प्रकार से आपका ये 100 नंबर का कॉन्सेप्ट हो गया। आज के लिए इतना ही, आगे आने वाली वीडियो में मैं चैप्टर वाइज सभी को डिटेल में बताऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।